शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तभी हम सोच रहे थे कि इतनी रात गए कौवा काहे बोल रहा है। बिटिया और दामाद जो आ रहे थे, एक तो तुम्हारे चक्कर में ये दहलीज पे कदम रखना पड़ा हमको। इसमें सिर्फ हमारा फायदा नहीं है, हम दोनों का फायदा है। लगाओ पत्ते, लगाओ पत्ते, लगा ना। दुल्हन इस्तीफा दे, उससे पहले जाके कॉलेज पहुँचो और इस्तीफा रोको, कैंटीन और ये घर संभालो। खबरा कह रही हो माई भी, जो भी होगा किसी को कानो कान खबर नहीं है। ताऊ जी, आप कोई बात कहने वाले थे, कहिए क्या बात है। घबराओ मत, अच्छी खबर लाए। अम्मा जी, जैसा कि आप जानती हैं, शिवांश के पिता हमारे बिजनेस पार्टनर थे, तो उस दौरान उन्होंने एक मकान खरीदा था, लेकिन उस मकान के पीछे बड़े कानूनी दाव पेश थे, बहुत परेशान था। और उस समय शिवांश के पिता और हमारे ताल्लुकात अच्छे थे, तो वो केस हमारी कंपनी ने लड़ा था। वो केस बहुत लंबा चला था, ये हमारी बहन की नातिन है मालती, और ये उसके पति है अखिल। अच्छा, नमस्ते। हमारे यहाँ ही ठहरे हैं। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, हम यही कह रहे थे कि अच्छी खबर ये है कि हम वो केस जीत गए। ये रहे आपके घर के कागजात। अब आपका मकान पूरी तरीके से आपका हो गया। हमें ऐसे धुंधला धुंधला सा याद है, जब छुटकर ने ये मकान लिया था तब हमें बताया था, है ना वसुधा? जी अम्मा, वो तो रहा नहीं इस दुनिया में, फिर हमने भी उम्मीद छोड़ दी, सोचा आप क्या मिल पाएगा। चाह चाह वहां रहा अम्मा जी। अरे मिलता कैसे नहीं नानी, आपके दुल्हन के भाग से सब अच्छा ही होगा। साक्षात लक्ष्मी का रूप है तरहत जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दामाद जी, तब तो लक्ष्मी के हाथों ही घर का गृह प्रवेश होना चाहिए। क्यों बड़के ठाकुर, कर सकते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल, जो आपको ठीक लगे। बहुत बहुत बधाई हो आप सबको, आपका आपके इस नए घर में हार्दिक स्वागत है। अरे नहीं नहीं, आप की वजह से ये हो पाया है, आप पहले आइए। अरे नहीं, आप बुजुर्ग हैं बड़ी, आइए आप अंदर आइए। रुकिए 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 रुकिए, अरे ऐसे नहीं। अरे नानी कमाल है, आप खुद ही अपनी बात भूल गई। आपने कहा था नए घर में सबसे पहले घर की
लक्ष्मी पधारेगी। बिल्कुल सही दामाद जी, इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है? हम भी तो वही कह रहे। आओ दुल्हन। अरे रुकिए रुकिए रुकिए। ले घर का शुद्धिकरण तो होने दो। आई वो गंगा चल लो। शुद्धिकरण कराओ। ओम आ पवित्र पवित्रो व सर्ववस्था। ओम आ पवित्र पवित्रो व सर्ववस्था। घर का शुद्धिकरण हो गया, मन को शांति मिल गई। दुल्हन चल आज। अरे नहीं 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 नहीं, और एक रसम तो बाकी है, उसी के बाद तो गृह प्रवेश होगा। अरे तो अलता ले। घर की लक्ष्मी अपने शुभ कदमों से घर में प्रवेश करेगी। आइए। तो बहुत जोरदार है। हाँ बढ़िया घर है। बढ़िया घर तो बहुत ही अच्छा है। आइए सब लोग अंदर चले। आइए चलिए चलिए। तुम कहाँ चली थी? वहां सबके सामने बड़ा नहीं आ रही थी है? ऐसे ताली बजा बजा के कि पहले घर की लक्ष्मी प्रवेश करेगी है? बड़ा लक्ष्मी। अरे बात को समझा करो। सारे तालों की चाबी इसी के पास है। ये बात है। समझी? हो रही। भगवान का लाख लाख शुक्र है। नानी हम कहा कह रहे थे कि ये ना आपको पूजा घर में बुला रहे हैं। क्यों? अब चलिए ना नानी, आप खुद ही जाके पूछ लीजिएगा ना कि काहे बुला रहे थे। चलिए अब उठिए ना नानी। आते हैं। चल दामाद जी, आपने हमें बुलाया? जी नानी, एक जरूरी बात करनी थी। हमने सोचा आज खुशी का मौका है, आज गृह प्रवेश हो गया नए घर में। वाह कितनी खुशी की बात है, हमारा दिल एकदम भर आया। क्या क्या बात है? नानी बात ये है कि एक पुरानी बात है, वो याद दिलाने का समय आ गया है। बात यह है कि आपकी जो नातिन है, उनके परिवार ने आपको जो दिया, उसी की बदौलत ये आपकी पूरी शान शौकत और पूरा वंश चल रहा है। याद कीजिए नानी, आपने कहा था उचित समय आने पर उस एहसान का कर्जा आप चुकाओगी। अब वो कर्जा चुकाने का समय आ गया है। आपको क्या चाहिए? क्या
श्रवणी और शिवांश का पहला बच्चा आप हमका दे दे। क्या? ये आप क्या मांग रहे? नानी 25 साल पहले तो यही तय हुआ था। नानी हमें अगर मजबूरी ना होती ना तो हम कभी ना आते यहाँ पे। देखिए नानी मालती की तरफ देखिए, हमारी शादी को 10 साल हो गए नानी, 10 साल। इनकी गोद सोने की सुनी है, यहाँ तक कि नानी नानी पूरे बेगूसराय में जब भी कभी छठी होती है, जब भी कभी गोद भराई होती है ना, इनको न्योता तक नहीं देते। तो हमारी माँ, हमारी माँ को तो आप जानती है, इसको इतना ताने मारते, इसको इतना ताने मारते, रो रो के पागल हो जाती है। यानी हम भी अंदर से बहुत रोता ना मानते। नानी आपको पता है हमारी माँ हमारी दूसरी शादी कराना चाहती थी, मतलब वर्ष खाई बस होने ही वाली थी। हमारी माँ तो लट पकड़ के हाथ में खड़ी थी कि बस हमारे किसी तरह से साथ फेरे करा दे, बात खत्म। हम कछु नहीं कर पाए, हम बहुत रो ली। हम फिर कहा कि हम वो कॉन्ट्रैक्ट का झूठ मूठ का बहाना निकाल लिया और हम दो प्राणी वहां से भाग लिए। बस जाते जाते हमारी माँ को एक बात बोल दिए कि मालती जो है वो पेट से है। पेट से? हमको उधर से निकलना भी था ना, हम का करके बताइए आप। और फिर हम बोले कि अब बेगूसराय तो गांव छोटा है, वो है का इलाज होगा, 10 साल बाद हमका बच्चा हो रहा है। तो हम बोले कि हम जा रहे हैं गोरखपुर, तो गोरखपुर में बड़े अस्पताल में टीका इलाज कराएंगे। लेकिन अब नानी 9 महीने बाद तो भांटा फूट जाएगा ना नानी। बस नानी आप ही हो जो जो हमें बचा सकती हो नानी। लेकिन लेकिन कहा नानी, श्रवणी को तो आपको ही मनाना पड़ेगा ना कि श्रवणी अपना पहला बच्चा हमका दे दे, फिर हम अपनी अमानत लेके यहीं से निकल जाएंगे। हैं? नानी ऐसा ना है कि हमने बच्चा गोद लेने की कोशिश ना ही की, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन आप तो जानती है अपना खून अपना खून होता है, ये बात को आपसे बेहतर कौन जानता है। आपने भी तो यही किया था, अपने खानदान के खून को ही चुना था। अब मालती की माँ ने शिवांश के रूप में आपको अपने खानदान का चिराग दे दिया। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुमे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यजमान जी अब आप बच्चे को नई माँ की गोद में दे दो। आज से आपकी जिम्मेदारी इस बच्चे को संभालने की। कमला इस बच्चे की बिल्कुल चिंता ना करना, बड़े प्यार से संभालेंगे इसे। आज आज तूने हमारा वंश संभाला है, वसुधा की जिंदगी बचा ली है। इस एहसान को हम कभी नहीं भूलेंगे। इस एक एहसान के बदले में तुम कभी हमारी जान भी मांगोगी ना तो हम वो भी दे देंगे। इस अग्नि को साक्षी मानकर हम वचन दे रहे हैं, इस एहसान को अब कभी नहीं भूलेंगे।
अब नानी आपकी बारी, भर दीजिए हमारी गोद, दे दीजिए हमें हमारे खानदान का चिराग। देखिए नानी, मना मत करिए नानी, हमारी झोली भर दीजिए नानी। दामा जी ऐसा ना कहिए, 25 साल पहले जो हुआ वो मजबूरी थी और आज की बात अलग है। नहीं नानी, हमका पता ये बात कैसे अलग है? तब लोग बड़ों की बात सर झुकाकर मान लेते थे, आज हम दुल्हन से कहेंगे तो वो कभी नहीं मानेगी। वो तो बिल्कुल नहीं मानेगा। नानी कैसी बातें कर रही है आप? देवी माँ के सामने आपने जबान दी थी। याद कीजिए नानी, याद कीजिए, आपकी मरती हुई बहन ने आपको याद करते वक्त क्या कहा था? कहा था कि हमारी बहन मरती मर जाएगी लेकिन जबान से नहीं मुकरेगी। आप अपनी मरी हुई बहन की आखिरी बात को झुठलाना चाहती है नानी? आप अपनी मरी हुई बहन को काम दिखाएगी नानी? अब का है ना नानी, जरा एक बार सोच के देखिए, इसमें हम दोनों का भलाई है कि नहीं। अब श्रवणी एक बार पेट से हो ही नहीं कि उसकी पढ़ाई छूट जाएगी, है कि नहीं? और जितना हम जानते हैं आप भी यही चाहती हैं कि नहीं? का है ना नानी, इतना तो हम अच्छे से जानते हैं कि आपका दिक्कत का है, क्योंकि सिब्बू उसी कॉलेज में नौकरी कर रहा है जिसमें श्रवणी पढ़ाई कर रही है। अब एक बार श्रवणी का पाँव भारी हुआ कि हम दोनों का काम तो बन ही जाएगा, है कि नहीं? लेकिन दुल्हन तो आज के जमाने की है ना। लेकिन फिर भी आपकी बात नहीं ना टालती। लेकिन इस बात के लिए वो कभी नहीं तैयार होगी। लेकिन नानी हम काहे के लिए है फिर? हम श्रवणी को माँ बनाने में पूरा सहयोग देंगे। क्या मतलब? माँ बनने के लिए मनाने में पूरा सहयोग देंगे हम। बस नानी पहले आप हाँ तो कीजिए। बस नानी अब मना मत करिए नानी, अब आप हमारी झोली भरी दीजिए नानी, बस मना मत करिए नानी, हमारा झोली भर दीजिए। हाँ क्या हुआ पति जी, इतने चुप चुप क्यों हैं आप? ऐसी कोई बात नहीं। पर आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? आज आपको पढ़ाई नहीं करनी क्या? पढ़ाई तो हम कर चुके और हम सातों के सातों दिन थोड़े पढ़ते, एक आधा दिन पति जी के लिए भी रिजर्व किया है हमने। अच्छा वो सब छोड़, क्या हुआ है ये बताइए। अरे हमने आपसे कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, जाइए जाके कपड़े बदल लीजिए। कपड़े बदल लीजिए? क्यों क्यों मतलब? क्योंकि हमें कहीं जाना है इसलिए।
कहाँ जाना है? नहीं, जहाँ हम अभी तक नहीं जा पाए। ऐसी कौन सी जगह है? शिवांश, आप भी ना कितने सवाल पूछते हैं। उठिए, जाइए, जाइए। आप भी ना। आज कुछ है क्या? और ये किस बात के लिए दान पुण्य किया जा रहा है? हम मरने वाले हैं, इसलिए हमने सोचा कि कुछ दान पुण्य कर ले। नहीं नानी, एक ना एक दिन तो सभी को जाना है ही, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आपकी आखिरी चक्का है। अब तुम्हारा ब्याह तो देख लिए, बस परपुते का मुंह देखना यही एक इच्छा बची है। आपकी अपनी श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।